नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। इस वीडियो में हम लोग दरोगा एंड एसआई का जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स करे कि आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन के लेखक लेखिका कौन है। आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन के लेखक लेखिका कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफाइंग करने वाली धाविका है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाली धाविका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी दूती चंद द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 2010 से 20 के दशक को क्या नाम दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 2010 से 20 के दशक को क्या नाम दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी नवाचार का दशक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे जो है किस नदी पर है। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे जो है किस नदी पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पांच नंबर करके पोषण अलपता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है। पोषण अलपता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी सुपोषिमता अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी गोवा राज्य को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट आठ नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आठ नंबर क्वेश्चन आपका करें केंद्रीय बजट जो है 2020-21 के आधार पर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। केंद्रीय बजट जो है 2020-21 के आधार पर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी बी और सी दोनों यानी निगम कर और जीएसटी जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का राजकीय घाटा 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारत का राजकीय घाटा 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी डोमिनिक थियम ने जीता। ओपन टेनिस 2020 में अमेरिकी की पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता, तो डोमिनिक थियम ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर कर किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया। किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी जैक कैलिस को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी परेश रावल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगापुर में किस भारतीय मूल के नागरिक को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हुआ। सिंगापुर में किस भारतीय मूल के नागरिक को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी प्रीतम सिंह को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में किस एथलेटिक्स खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। निम्न में किस एथलेटिक्स खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी दूती चंद को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी अग्निवेश जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया किस संस्था से जुड़े हुए थे। किस संस्था से जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्य समाज के संस्था से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहे कि 2020
क्या 2020 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2020 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी 22 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? एडीबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर, मत्सुगु असाकावा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून के विश्व में 500 बड़ी कंपनियों में भारत की कितनी कंपनी शामिल है? फॉर्च्यून के विश्व के 500 बड़ी कंपनियों में भारत की कितनी कंपनी शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी 7 कंपनी जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स योशिहिदे सुगा बने हैं। योशिहिदे सुगा बने हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करेक्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, तेरहताली नृत्य जो है किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तेरहताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी रामदेव जी के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा क्या है? चिंकारा क्या है? तो चिंकारा एक क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी मृग की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र पर्व का आयोजन जो है भारत के किस राज्य और किस जाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? मंत्र पर्व का आयोजन जो है भारत के किस राज्य और किस जाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन से ऑपरेशन शुरू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन जीरो ओवर को शुरू किया गया। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करें कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबा रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है? भारतीय रेलवे जो है किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी मणिपुर में निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? निम्नलिखित में से कौन सी जो घटना है विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी नलगोंडा की घटना ने। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी राग यमन को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है चित्रकार रफेल का प्रसिद्ध कृति है? निम्न में कौन चित्रकार रफेल का प्रसिद्ध कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी पानसेंगर मेडोन जो है राफेल की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है? येलो बुक जो है किस देश के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी फ्रांस के दस्तावेज को येलो बुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी अटलांटा एयरपोर्ट जो है विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी गेंद की परिधि कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 22.3 से 22.4 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। यानी किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, यानी गोल्डन पांडा पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 जो है किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 जो है किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया। यहाँ पर ऑप्शन बी है,
सर डेविड एटन बरो को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स का, कि निम्न में से कौन से जानवर जो है रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता, निम्न में कौन से जानवर है रेशों को अच्छी तरह नहीं पचा पाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी सुअर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की, पोलियो के टीके की खोज किसने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जॉन साल्क, यानी जोसान साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करेक्ट, निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति से गतिमान कणों पर न्यूटन का गतिकी नियम लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति से गतिमान कणों पर न्यूटन का गतिकी नियम लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी प्रकाश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष किसी द्रव्यमान माध्यम के अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यह क्या होता है, यह हमेशा एक से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करके प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स करके फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन से, उसका उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदायों अथवा सिलसिलाओं का उल्लेख किया गया, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदायों अथवा सिलसिलों का उल्लेख किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अबुल फजल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स का राय कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, आकाश नीला जो है किसके कारण दिखाई देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी वातावरण में वायु के कोणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहे कि निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में जो है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये जो कथन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फ्रेंड्स कह रहे कि 45 नंबर क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन जो है एक बच्चे को दी जाती है, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है तो किस प्रकार के बच्चे को दी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जिन बच्चों को डिप्थीरिया कुकुर खांसी टिटनेस का रोग होता है तो उनको ट्रिपल एंटीजन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करें कि हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 करके वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थित तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी केवल 2 और 3 यानी दाब भित्तियों पर पड़ता है और दाब तरल में हर जगह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ए ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तोलता है तो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी सोने के भार जो है मामूली रूप से कम हो जाए। जब ए जो है ध्रुव को 10 ग्राम सोना खरीदता है यदि वो भूमध्य रेखा पर उस सोने को तोलता है तो उसका क्या होता है, उसके भार में थोड़ा सा मामूली रूप से कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा नगरोटा जो है किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 52 नंबर कह रहे कि R37 प्रकार का संविधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, R37 का संविधान का प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करके निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। आपको इधर अम्ल के प्रकार दे, इधर स्रोत जिनमें पाया जाता है इसमें कौन जो है सुमिलित है। इसका सही उत्तर सबसे पहले देखते हैं, इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन सी यानी केवल 1, 3 और 4। तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है और जो है कार्बोनिक अम्ल
वाटर सोडा में पाए जाते हैं और टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाए जाते हैं। ये क्या ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जो है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि की रचना एवं पालन पालन पोषण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ऑप्शन ए ही द राइट आंसर है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में हम लोग 55 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।